जिला मुख्यालय में संचालित वृद्धा आश्रम की जर्जर स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे किसान नेता योगेश तिवारी। आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से समाज कल्याण विभाग ने जिला मुख्यालय की सिंचाई कॉलोनी स्थित जर्जर भवन में वृद्धा आश्रम का संचालन किया जा रहा है। वृद्धा आश्रम की परेशानियों की जानकारी जैसे ही किसान नेता योगेश तिवारी को मिली, वहां सीधे आश्रम पहुंचे और बुजुर्गों से बात की और वहां की जर्जर स्थिति को देखा। पिछले 10 सालों से बेमेतरा जिले का एकमात्र वृद्धा आश्रम है और यहां सिंचाई विभाग के पुराने भवन में संचालित हो रहा है। भवन की स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी प्लास्टर गिर सकते हैं, क्या भवन भी गिर सकता है और कभी भी गंभीर दुर्घटना घट सकती है। पर कोई अन्य भवन नहीं होने के चलते इन बुजुर्गों को इसी जर्जर भवन में रहना पड़ रहा है। किसान नेता ने कहा कि जिला प्रशासन से अगर जर्जर भवन की मरम्मत की अनुमति मिलती है तो वहां इस भवन को मरम्मत करा देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इसमें जो भी खर्चा आएगा वहां देने को तैयार है। जो यहाँ का संचालन कर रहे हैं भाई साहब, क्या जर्जर स्थिति हो गई है और इस समय बरसात में इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ा। प्लास्टर पूरा जर्जर हो गया है, कहीं से पानी टपक रहा है, चूर है, यानी कभी प्लास्टर गिर जाए तो कोई दुर्घटना हो जाए। तो उस ट्रस्ट के माध्यम से इसका जीर्णोद्धार करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने कलेक्टर को लगाया। कलेक्टर से मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन समाज कल्याण के जो बाबू हैं, जो हेड हैं गेडाम साहब, उससे मैंने बात किया तो वो बोले तो सिंचाई कॉलोनी का बिल्डिंग है और मैं बगैर बात किए, बगैर उनके परमिशन में नहीं बता सकता। तो मैं करना चाह रहा हूँ, अगर सरकार अनुमति दे दे, शासन के लोग परमिशन दे दे, तो इसमें जो भी 2-4, 3-4 लाख रुपये जो खर्चा होगा, मैं इसको खर्च करके बुजुर्ग हमारी जो माता पिता रहते हैं उनके रहने लायक बनाना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं आया हुआ हूँ। और निशांत जी ने जो कुछ बताया उससे मैंने स्थिति स्पष्ट है कि मैंने बहुत स्थिति खराब होने की वजह से ही आज हम सब की ये मांग है कि किसी तरह से हमको बिल्डिंग की सुविधा मिल जाए तो मैंने हम लोग भी थोड़ा सा जीवन को ठीक ढंग से सुचारू रूप से चला पाएंगे। अन्यथा मुश्किल ये है कि कल अगर कुछ भी हो जाता है तो फिर किसी न किसी पे वो जिम्मेदारी आएगी, जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए बेहतर यह है कि इन लोगों ने जो सलाह दिया है, तिवारी साहब ने विशेषकर, उस सलाह पे गौर किया जाए, उस पे ध्यान दिया जाए और हमारे लिए कुछ जो सुविधा हो सकती है वो उपलब्ध कराई जाए।